एक मिनट। आप लोग ये सब मालूम है कि 3 मार्च को एक मिनट सर आप लोगों को मालूम होगा कि बनियापुर में सर बोलिए बनियापुर में हरियरपुर सिरे में 2 मार्च के देर रात को एक वार्ड सदस्य थे मोहम्मद सद्दाम हुसैन उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद काफी विधि व्यवस्था की समस्या वहां खड़ा हुआ था जिसमें सरकारी वाहन की भी क्षति पहुंचा थी। उसी केस में हम लोग अनुसंधान में हम लोगों को जानकारी मिली कि इस केस कांड में जो शामिल अभियुक्त हैं वो जाकर बिहार से बाहर छिप के रह रहे हैं। उसी में जो स्पेशल SIT यहाँ गठन किया गया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, इसमें इंस्पेक्टर धर्मेंद्र थे और सहनी अरुण सिंह थे मुफस्सिल थाना के। सूचना मिली कि बिहार से बाहर जाकर छुप के रह रहे हैं, उसी सूचना पर बिहार से बाहर से जाके उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। लाने के बाद उनसे पूछताछ की गई लेकिन वो शुरू में इनकार किए कि हम लोग नहीं घटना में शामिल हैं। उसके बाद टेक्निकल जो तकनीकी साक्ष्य था और अन्य साक्ष्य जो हम लोग के पास उपलब्ध थे उन सबको सामने उनको दिखाया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ उनके द्वारा हत्या किया गया है। ये पैसा लेकर हत्या किया गया था, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट क्लीन होना, 2 लाख रुपये पर ये मर्डर किया गया था जिसमें 50,000 रुपया और एक देसी कट्टा का पेमेंट इनको हो गया था। उसी कट्टे से इन्होंने उसका हत्या किया था, जो रिकवर हुआ है, जो इनके बताया अनुसार जो जगह बताया है उसी जगह पर जाकर रिकवरी हुआ है। जिस संबंध में अलग से केस दर्ज की गई है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है बनियापुर थाना में जो अलग से केस दर्ज किया गया। हत्या कराने वाला कौन? हत्या कराने वाला का नाम अभी नहीं बताएंगे आपको लेकिन ये तय है कि वहाँ 2 गुट है। उस गाँव में पंचायत इलेक्शन को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर 2 गुटबंदी बनी हुई है। उसी 2 गुटबंदी के झगड़े में ये मर्डर का घटना को अंजाम दिया गया है और इस तरह से घटना को साथ में रहने वाले ही घटना को अंजाम दिए ताकि ये दूसरे गुट के आदमी फंस जाए इसमें, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुल रेकी करके पुल उसके साथ रह के ही घटना को अंजाम दिया गया है। और ये दोनों जो गोली चलाने वाले व्यक्ति है और भी 2 लोग थे, 4 लोग गोली चलाने वाले थे और 2 उसमें कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने व्यवस्था करवाया था मर्डर करने का, सभी का नाम आ गया है। 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है अंकित कुमार पेशर रणवीर कुंवर और शशिकांत कुंवर पेशर अजय कुंवर, दोनों बिशुनपुर धरान के रहने वाले, बिशुनपुर धरान थाना जलालपुर ये रहने वाले हैं दोनों व्यक्ति, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी 2 लड़के हैं जो डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्व थे और 2 कॉन्स्पिरेटर जो उसी पंचायत के रहने वाले हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। और ये कम्प्लीट पंचायत चुनाव एवं उसने निजी रंजिश के कारण ही मर्डर किया गया ताकि दूसरे व्यक्ति को फंसाया जा सके। इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसे गिरफ्तार तो हम लोग मुफस्सिल थाना में ही लाके यहाँ से गिरफ्तारी किए हैं लेकिन पूछताछ के लिए इसको बाहर से लाया गया था, आउटसाइड स्टेट से। अपराधी के इतिहास इनका अपराधी के इतिहास अभी हम खोज रहे हैं, अभी तत्काल हमारे पास नहीं है।